अब हम ग्रुप थ्योरी से संबंधित कुछ थ्योरम्स करेंगे, जिसमें पहली थ्योरम है, एक ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। प्रूफ करेंगे हम इसका। तो प्रूफ है, क्योंकि एक ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, इसलिए हमें एक ग्रुप मानना पड़ेगा। मान लीजिए जी स्टार एक समूह है, समूह है तो इसमें तत्समक अवयव लेना पड़ेगा, जिसमें ई और ई डैश दो तत्समक अवयव हैं। क्योंकि हम तत्समक अवयव अद्वितीय दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसके दो तत्समक अवयव मान लेंगे। माना ई और ई डैश दो तत्समक अवयव हैं। तब अगर हम ई को जी का तत्समक माने, तो उस स्थिति में ई डैश इसका साधारण अवयव मान लिया जा सकता है। तो ई जी में तत्समक अवयव है, तो ई डैश जी में साधारण अवयव है। ऐसी स्थिति में ई इंटू ई डैश बराबर ई डैश आ जाएगा, क्योंकि तत्समक अवयव के किसी भी अवयव के साथ संक्रिया लगने पर वो अवयव खुद आ जाता है। इसी प्रकार से ई डैश भी जी में तत्समक अवयव है, ऐसी स्थिति में ई गुणा ई डैश बराबर ई आ जाएगा। क्योंकि दोनों स्थितियों में, दोनों जो एक और दो समीकरण है, उन दोनों में ई ई डैश सेम है, तो ई ई डैश जी का एक अद्वितीय अवयव है। क्योंकि ये अवयव अद्वितीय है, इसलिए एक और दो से सिद्ध होता है कि ई डैश बराबर ई। अर्थात ग्रुप में जो हमने दो तत्समक अवयव माने थे, ई और ई डैश, वो दोनों बराबर आ गए। अर्थात ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। थ्योरम नंबर, अगली थ्योरम है इसमें, ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ऊपर वाली थ्योरम में हमने किया था कि तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, नीचे वाली थ्योरम में हम सिद्ध करेंगे कि ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। इसका मतलब हमें ग्रुप मानना पड़ेगा। प्रूफ देखिए, मान लीजिए किसी समूह जी स्टार में एक ऐसा अवयव है जिसके समूह में बी और सी दो प्रतिलोम है, दो प्रतिलोम मान लेंगे। चूंकि बी है वो ए का प्रतिलोम है, अर्थात ए का इनवर्स इज इक्वल टू बी। ऐसी स्थिति में B इंटू ए भी ई आ जाएगा और A इंटू बी भी ई आ जाएगा। चूंकि C भी A का प्रतिलोम है, अर्थात A का इनवर्स इज इक्वल टू C, इम्प्लाइज दैट C इंटू ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू A इंटू सी। अब चूंकि बी ए इज इक्वल टू ई है, राइट साइड में दोनों और C से संक्रिया लगाने पर बी ए इंटू सी इज इक्वल टू ई सी। ग्रुप में सहचर्य गुणधर्म लगाने पर B इंटू ए सी इज इक्वल टू सी, क्योंकि E इंटू सी इज इक्वल टू सी आता है, E तत्समक है ना। इसलिए अब ऊपर वाले देखते हैं कि A इंटू सी वो E बन रहा है, तो ये हो गया B इंटू ई इज इक्वल टू सी। अब B इंटू ई इज इक्वल टू बी, अर्थात B इज इक्वल टू सी। कहने का मतलब ये है कि एक के जो दो प्रतिलोम माने थे B और C, वो दोनों बराबर आ गए। अर्थात ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। क्योंकि हमने जब ए अवयव लिया, उसका प्रतिलोम दो अलग अलग माने, दोनों सेम मिल गए, अर्थात ग्रुप के किसी अवयव एक का प्रतिलोम अद्वितीय है। इसी प्रकार से कोई दूसरा अवयव लेंगे तो उसका भी अद्वितीय आएगा, तीसरा लेंगे उसका भी अद्वितीय होगा, अर्थात ग्रुप के सारे अवयवों का प्रतिलोम अद्वितीय मिलेंगे। अर्थात ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। इसी पर एक टिप्पणी है, चूंकि तत्समक अवयव भी तो ग्रुप का अवयव है, तो तत्समक का प्रतिलोम क्या होगा? तत्समक अवयव का प्रतिलोम स्वयं तत्समक अवयव खुद होता है। अगली थ्योरम है, यदि जी कोई ग्रुप है और ए कोमा बी बी जी के दो अवयव हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, उन दोनों अवयवों के लिए क्या होगा? ए के इनवर्स का इनवर्स खुद ए के बराबर होगा। दूसरी बात है, ए इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। इसको बोलते हैं उत्क्रमण नियम, रिवर्स ला। अर्थात दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। देखते हैं, इसे सिद्ध करते हैं। प्रूफ ए पार्ट, इसका ए पार्ट हमें सिद्ध करना है कि ए के इनवर्स का इनवर्स ए दिखाना है। क्योंकि
ए इनवर्स है वो ए का प्रतिलोम है, अतः ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। इसको थोड़ा चेंज करके लिखने पर ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ए इनवर्स की ए इनवर्स के साथ एक ही संक्रिया लगाने पर ई बन रहा है, अर्थात ए इनवर्स का प्रतिलोम ए है, अर्थात ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। टिप्पणी ये है कि अगर इंटू की संक्रिया के बजाय प्लस की संक्रिया होती, योज्य संक्रिया, ऐसी स्थिति में एक का इनवर्स माइनस से होता है, तो माइनस एक का इनवर्स क्या होगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए के इनवर्स का इनवर्स माइनस ऑफ माइनस इज इक्वल टू ए। दूसरा पार्ट इसका ये है, दूसरे पार्ट में हम दिखाना चाह रहे हैं कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। चूँकि ए कोमा बी दोनों जी के अवयव है, जी ग्रुप है, तो ए का इनवर्स भी जी में होगा और बी का इनवर्स भी जी में होगा, और ए और बी का इंटू करेंगे तो वो भी जी में होगा क्योंकि द्विउत्तर संक्रिया है, और जो बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों जी के थे तो बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स भी जी का अवयव ही होगा। कहने का मतलब ये है कि ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स ये सारे के सारे अवयव जी के ही होंगे। अब हम दिखाना चाह रहे हैं कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो हम क्या करते हैं कि ए बी की संक्रिया बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ लगाते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड में। अगर तत्समक अवयव आ जाए इसका मतलब ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। तो देखते हैं, हम ए बी के साथ संक्रिया लगाते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स की, तो साहचर्य गुणधर्म से क्या होगा, ए इंटू बी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चूँकि बी बी इनवर्स आइडेंटिटी अवयव ई बन जाता है तो इज इक्वल टू ए ई ए इनवर्स, ए गुणा ई ए हो जाएगा तो ए गुणा ए इनवर्स, और ए गुणा ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, अर्थात ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, इक्वेशन नंबर वन। अब पुनः हम क्या करते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स को लेफ्ट में लेते हैं और ए बी को राइट में लेते हैं, मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स की संक्रिया ए बी के साथ लगा के देखते हैं। साहचर्य गुणधर्म से बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, चूँकि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई हो जाएगा, इज इक्वल टू बी इनवर्स ई बी, ई इंटू बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू दैट मीन्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, और बी इनवर्स बी इज इक्वल टू ई, अर्थात बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ई, इक्वेशन नंबर टू। एक और दो से स्पष्ट हो रहा है कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी, अर्थात ए बी की संक्रिया बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ चाहे राइट में लगाओ चाहे लेफ्ट में लगाओ तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है, अर्थात ए बी का प्रतिलोम बी इनवर्स ए इनवर्स है। कहने का मतलब यह है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इति सिद्धम। व्यापक उत्क्रमण नियम आगमन सिद्धांत के प्रयोग से उपरोक्त प्रमेय का हम निम्न प्रकार से व्यापीकरण कर सकते हैं। अगर दो अवयवों के से अधिक अवयव ए इंटू बी इंटू सी इंटू 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 पी का होल इनवर्स इज इक्वल टू पी इनवर्स डैश 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 सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। टिप्पणी नंबर एक, यदि ग्रुप संक्रिया योग की हो तो उत्क्रमण नियम निम्न प्रकार से होगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ए। यदि जी कर्म विनिमय ग्रुप है, कर्म विनिमय ग्रुप है, ऐसी स्थिति में ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स था तो बी इनवर्स ए इनवर्स को हम ए इनवर्स बी इनवर्स लिख सकते हैं, अर्थात ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स हो जाएगा।